अमरूस किचन। सैंडविच तो आपने बहुत से खाए हैं, लेकिन जो मैं सैंडविच आपको बनाना बता रही हूँ ये आपको पहली दफ़ा मिलेगा और ये चला सा वजन आप इससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ होंगे, आपको ये खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा। चलिए अब चाय के बगैर अते हैं रेसिपी तेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम तमाम मेंबर्स को, तमाम सब्सक्राइबर्स को, कैसी हो मेरी तमाम अमरूस किचन की फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर्स, अल्लाह ताला आपके नमाज़ रोज़े कबूल फरमाए, आपकी तकलीफ़ परेशानियां दूर फरमाए, आपके लिए राहत वाला मामला फरमाए, राहत के लिए राहत को हासिल करना आसान बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने एक बंद गोभी ले ली है, साथ में कैरेट ली है और सैंडविच बनाना जो है वो शुरू करते हैं। जी एग्स को हमने कर लिया है बॉयल और इनकी करते हैं हम जर्दियाँ अलग और सफ़ेदियाँ अलग। आज हम सफ़ेदी को अलहदा से करेंगे और जर्दी को अलहदा कैसे करेंगे, इनको हम रख लेंगे सेपरेट। इसी तरह से सारी सफ़ेदियों को हम अलहदा कर लेंगे और जर्दियों को अलहदा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारा काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें, अल्लाह ताला बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाता है। इसको करते हैं अब हम क्रश। जी क्रश हो गई है, अब हमने सफ़ेदियों को क्या करना है, हमने इसको मोनी करना है, क्रश नहीं करना है, इसको हमने छोटे छोटे पीसीस में कर लेना है ताकि ये हमें उसमें नज़र आए, सैंडविच में जो है हमें बकायदा नज़र आएंगे। देखें इतने इतने से पीस आपने करने हैं, सारी सफ़ेदियों को इस तरह से कर लें। जब तक मैं सफ़ेदियों को करती हूँ, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से बहुत ही प्यारा सा मीठा सा पैगाम होता है और ये पैगाम मिलता रहना चाहिए। अंडा भी हो गया, गोभी भी हो गई और अब हम करते हैं खीरे को। खीरे को भी हमने मोटा मोटा से ही काटना है, इसके छिलके नहीं हमने उतारने हैं, इसको भी ऐसे स्लाइसिस में ही हमने कटिंग करना है। आपके रोजे कैसे जा रहे हैं, क्या क्या सारे घर में सारे फैमिली बच्चे भी आपके रोजे रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म किया करें और सहरी में अफ्तारी में दुआओं में यह ज़रूर याद रखा करें। अभी तो कर सर्दियों के रोजे हैं, गर्मियों में जब रोजे होते थे तो लग पता जाता होता था कि कैसे कैसे से हैं। अब हमारी जो नई जनरेशन है इसको तो गर्मियों के रोजे जो हैं वो याद ही नहीं होंगे, सर्दियों के रोजे ही रखेंगे, मज़े से इंजॉय करेंगे। हमारे ज़माने में होता था उधर से रोज़ा रखा होता था, इतनी गर्मी होती थी, कपड़ों को गीला करना, दुपट्टा गीला कर कर के ऊपर लेना, एसीयों में बैठना और ये वो सारा कुछ। लेकिन आजकल तो रोज़ा है मज़े के रोज़े हैं, पता ही नहीं चलता रोज़ा जो है कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हो गया। चलें अब इसके जो है फिलिंग है वो तैयार करते हैं। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने चीनी ले ली है, थोड़ा सा मैंने नमक लिया है और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने काली नमक मिर्च जो है वो ले ली है। इसमें हम डालते हैं मायो, मायो का मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं, मेरे पास वो बड़े वाला नहीं था तो मैंने ये आधा पाव के 250 ग्राम्स के जो थे वो पैकेट ले ली हैं। इसको निकालते हैं और इसको करते हैं मिक्स। मैं बना रही हूँ, मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, अगर आप 1 या 2 बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसमें सारी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। इसकी जब अगर आप कर रहे हैं कारोबार के लिए बना रहे हैं, सेल करने के लिए बना रहे हैं तो मायो को अगर आपने इसको थोड़ा सा ठीक करना है तो क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दें ताकि इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाए और आपको उसका अच्छा सा बेनिफिट हासिल हो सके।
ये जी मायो भी हमारी हो गई तैयार। इसको हमने इतना करना है कि ये ना चीनी जो है इसमें वो मिक्स हो जाए, और जब भी आपने ऐसी मायो वाली या कोई भी वाइट सॉस वाली चीज़ प्रेजेंट करनी है तो इसको आपने पहले फ्रिज में रख के अच्छी तरह से ठंडा करना है, देन आपने इसको प्रेजेंट करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा, और जब हम ठंडी कोई चीज़ सर्व करते हैं वाइटनिंग वाली तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट में मज़े की हो जाती है। ये लीजिए, ये हो गए मिक्स। अब इसको हम क्या करते हैं, अंडों में डाल देते हैं और बंद गोभी में डाल देते हैं। दोनों चीज़ों को कर लेंगे हम ब्लेंड, इसी को इसी में कर लेते हैं, सारी चीज़ें जो है मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि तो वन लेयर वाला हम बना रहे हैं, ज़्यादा लेयर्स वाला नहीं बना रहे हैं। बर्तनों को अच्छी तरह से साफ किया करें, इसको मिक्स करते हैं। ये भी हमारी रेडी। अब सिर्फ रह गई कैरेट। कैरेट को हमने क्या करना है, कैरेट को हमने कद्दूकस कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें चाहिए रेड कलर, थोड़ी सी बस माइनर सी आपने थोड़ी डालनी है। जब भी कोई आप स्लैब वगैरह या किसी कटिंग बोर्ड पे बनाए तो उसको अच्छी तरह से साफ कर लिया करें, देन इसके ऊपर काम किया करें। चलें जी, ये हो गया। अब इसको भी हम इसमें मेजे में इंक्लूड करते हैं। चलें जी, सैंडविच ब्रेड की तैयारी करते हैं। सैंडविच देखें, ये सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड जो होती है वो बड़े साइज़ की होती है, और इसके अब हम कर लेंगे किनारे रिमूव कर देंगे। बहुत एहतियात से और ध्यान से कीजिएगा, ब्रेड ना ख़राब होने पाए आपकी। इनको धूप में रख दें, अगर ड्राई जल्दी नहीं है आपको तो इनको धूप में रख दें और ये हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। फिर आप इसको थोड़ा सा ब्लेंडर में डाल के, चॉपर में डाल के, जिसमें मर्जी आप इसको कर लें, क्रश कर लें हाथों के साथ, तो भी ये हो जाता है। और अगर आप इमीडिएटली चाहिए आपको, देन आप क्या करेंगे, चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन रखें और उनमें इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लें, ड्राई रोस्ट, तो ये आपके ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। ये लें जी, इस तरह से आपने इनके सारे किनारे जो है रिमूव कर लेने हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट अवर वर्क, फाइनल टच। चलें जी, ये हो गया मेरा रेडी। अब इसके ऊपर हम मेजा लगाते हैं, स्प्रेड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से रखनी है, जितनी आपको चाहिए, बच्चे पसंद करते हैं। अगर ये बच्चे नहीं पसंद करते तो आप इसको टोस्टर में डाल के रोस्ट भी कर सकती हैं, टोस्ट भी कर सकती हैं। देखिए, इसमें वाइट, रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो है वो कितना खूबसूरत सा लग रहा है। आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिकोर करते हैं, सेंटर से हमने करना है ना इधर से, तो इसको हम करते हैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए, ताकि इसकी लुक जो है वो हमें बहुत ही प्यारी सी और खूबसूरत सी नज़र आए। अम्मियाँ जो होती हैं, मदर्स जो होती हैं, वो उनको तो सारा कुछ आता होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टांका लगाना पड़ ही जाता है। इसके अंदर हम रखेंगे खीरा, इसके अंदर रखते हैं अंडा जो मैंने बचा के रखा था, कि इसको हम इसमें यूज़ करेंगे इस तरह से।
बहुत ही लुक वाइज भी बहुत अच्छा और टेस्ट में तो क्या कहने, लाजवाब हो गए। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाया तो आपका कैसे से बना, इंजॉय करने किया और किसने ना पसंद किया ये भी कमेंट किया करें कि नहीं पसंद आया। अगर नहीं पसंद आ रहा तो ना सही, कोई मसला नहीं है, अब बताया करें ज़रूर, अपने कमेंट्स जो हैं वो दिया करें। चलें जी, इनके ऊपर आप करते हैं इनकी क्लोजिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको कर देते हैं कवर। इसकी कटिंग कर लेते हैं। इंजॉय करें और बनाएं और खाएं, मुझे ज़रूर अपने कमेंट में बताइएगा कि आपका कैसे से बना और किस किस ने पसंद किया। स्टे विद अस, स्टे ब्लेस्ड, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।